पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, दिल के आवाज मेरे ठीक चमन में। अरे तुम लोग आ गए। ओ सही मौसम, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आई एम योर फ्रेंड लक्ष एंड यस 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 दिस इज फालतू की बकवास वाला एपिसोड नंबर 1। यस ये एक नई टाइप की सीरीज होने वाली है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिंज के टाइप का भी शायद कंटेंट आप लोगों को मिले, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से कॉमेडी करने का। तो यस गाइस यही है इस वाले सीरीज का मतलब। एंड यस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चल रहे हैं क्यूट भाई के घर पे, क्योंकि हमारे को न्यूज़ मिल रहा है गाइस कि क्यूट भाई ने बहुत ज़्यादा खाने वाली हरकत की है, यानी कि उसने पॉटी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और हम लोग उसी से आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं क्यूट भाई से। हाँ बोलो भाई। हाँ तो हमको न्यूज़ मिली है कि आप बहुत ज़्यादा हगने के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। तो गाइस आज का हमारा पहला सवाल, क्यूट भाई आप किस शेप में हगते हैं? जी हम मोटा मोटा। डिस्क्लेमर, तुम खाना ठूस रहे हो ना, निकल जाओ भाई, तुम्हारे मुँह से निकल जाएगा और फिर तुम्हारे तुम कहोगे मेरे मुँह से निकल गई, फिर मम्मी कहेंगी आ जाए बेटे मैं तेरे मुँह से निकालती हूँ, समझ रहे हो ना? तो जाओ भी चले जाओ, तुम लोग खाना खा रहे हो तो कंटिन्यू। मोटा मोटा पतला पतला हकते हैं, एंड में जाके वो पतला हो जाता है। जैसे कि क्यूट भाई हमको बताना है कि उनका एंड में जाके जो है पतला हो जाता है, इस हिसाब से गाइस जो है क्यूट भाई मोटा मोटा हकते और पतला पतला हो जाता है, यानी कि वो कील जैसे इनको चुपता है। क्या वो आपको चुपता है? हाँ। यानी गाइस इनको चुपता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है इनकी पॉटी इनकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अब इन्हीं पे हमला करके इनको मारने की कोशिश करती है, इनका सूझ चुका है क्या? हाँ। तो गाइस हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली है क्यूट भाई के बारे में, ऐसे कि इनका सूझ चुका है और ये जो है मोटा मोटा हकते और पतला पतला भी बीच में कर देते हैं, इनकी मर्जी है कि ये कब कैसा करना चाहिए, कैसे भी घुखाने हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल, तो गाइस अगर क्यूट भाई कुछ इतना ज़्यादा हकते हैं क्या वो या किसी यंत्र का यूज़ करते हैं? क्यूट भाई हमें जवाब दीजिए। हाँ हम यूज़ करते हैं चतंजलि हगूस प्रोडक्ट, यानी कि ये चतंजलि हगूस की प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता चल रहा है ये चतंजलि हगूस का प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो हमने इसकी एडवर्टाइजिंग की थी, कमेंट में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तुम जाके आँख मार सकते हो उस पर। तो अगर देख सकते हैं अभी क्यूट भाई जो मैंने यहाँ पे पास दिया है, और आपको अगर सुनना है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको फार्ट साउंड मिल जाएगा जो कि क्यूट भाई के द्वारा ही बनाया गया है। और यस हम आपको बताते हैं आप हगूस में से कौन सा हगूस यूज़ करते हैं। देखिए पहला होता है हमारा नंगा पौधीना, चड्डी पौधीना, टट्टी घुघाना एंड चड्डी नंगा पौधीना हरामी पौधीना। तो आप इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं सर? जी हम लास्ट वाले लेते हैं। ठीक है लास्ट वाला यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी वैरायटीज आती हैं। हाँ जी हाँ गाइस उसके अंदर भी वैरायटीज आती है, सूखा या फिर गीला। गीला गीली के अंदर भी वैरायटीज आती हैं। पहला होता है सिर्फ होता है पाउडर होता है और गोली भी होती है, एंड आपको एक वो आती है क्या कहते हैं पुड़िया, पुड़िया बनी आती है उसके अंदर ना अपने पॉटी शेप की गोली आती है वो वाली हम खाते हैं। यानी गाइस ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ खाते हैं। तो क्यूट भाई यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल खत्म होते हुए, चलो बढ़ते हैं अब तीसरे सवाल पे। तन तन तन। तो गाइस हमारे को जैसे पता चल रहा है कि क्यूट भाई बहुत ज़्यादा दिन में हकते हैं, तो गाइस क्यूट भाई क्या आप हमको जो है लिमिटेड टाइम बता सकते हैं कि आप कितना टाइम हकते हैं, मतलब कुछ एग्जैक्ट टाइम हमको बता सकते हैं क्या? नो कुछ तो आपको कुछ तो टाइम पता होगा, जिस टाइम पे आपको प्रेशर आता है इस टाइम पे आप खाने मतलब हकने जाते हैं। तो हमारे 24 घंटे में से हम 12 घंटे हम अपनी प्रिय मित्र जगह पर बिताते हैं। प्रिय मित्र जगह पर हम सुबह के 12 से लेकर 6 बजे तक और दोपहर के 12 से लेकर 6 बजे तक हम उठते हैं, एंड किसी को हम हगने नहीं देते क्योंकि इट्स माय लाइफ। तो यार ये आपको पता चल रहा है कि क्यूट भाई इतना घुखाते इतना अजीब से प्राणी है। तो नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि क्यूट भाई ने बहुत सारी चीज़ें सब चीज़ों पर ध्यान रखा है, लेकिन क्यूट भाई आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करने का कब से मन किया, आपने कब क्या किया है आपको जिसमें इसमें दिलचस्प आ गया इतना? देखिए तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग मेरे दोस्त और ये भी थे ये भैया भी थे, तो हम लोगों ने सोचा था पार्टी करेंगे, तो मेरे को आलस आ रहा था कि मैं साइड में बैठा था, तो हम लोगों ने
उन्हें भेज दिया दोस्तों को, सारे दोस्त चले गए, मैं बैठा यानी गाइस उस दिन जो है 5 नवंबर 2016 की बात है, ये 19 नहीं तू नशेड़ा है 16 की बात है, ये दारू पीता था उस टाइम पर और ये शांति से बैठा था गाइस, और हम लोग जो है यहाँ पे पार्टी के लिए सामान लेने गए थे, मैंने भी अपने पैसे जुड़ा दिए थे, और फिर एक कुत्ता था, उन्हें कुत्ता को लगा कि ये खाने के पास जा रहे हैं, तो वो भी गया उनके पीछे एंड वो अपनी पॉटी को छोड़ के चला गया, तो मैंने उसे घूरा, पॉटी ने मुझे घूरा, मैं भी उसे घूरा, पॉटी ने भी मुझे घूरा, एकदम से हमारा चलता रहा पॉटी में और एकदम से उठा के खा गया मैं। तो अगर आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्यों नहीं गजब ही गुखाने है, यानी कि इसलिए गाइस मैं इसको हमेशा गुखाना बोलता था और ये मेरे से धमकी देता था मैं स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा आपसे। तो गाइस आज की सब दुनिया की सच्चाई हम आपके सामने आ गई है, क्योंकि गुड भाई की आओ आप लोग मिलेंगे गाइस आज अच्छी। एक सेकंड, आप कब करवाओगे अपना? नहीं on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.